हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोअर यूनिट को हम हायर यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे है, पहला है कन्वर्ट करना है 6530 मिलीलीटर इनटू लीटर, ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होते हैं। तो 6530 मिलीलीटर इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे किया गया है 6530 इंटू 1/1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ पे फार्मूला दिया भी हुआ है, इसी फार्मूला को यहाँ पे हमें फिट करना है। तो इसमें इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6530/1000। तो एक जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, तो 6530/100 होगा। तो ये 20 है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही वाला नंबर हम लिख लेते हैं। तो यही वाला नंबर यहाँ पे लिख लिया गया है, नीचे 20 है, तो 2 नंबर के बाद हम पॉइंट यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इस तरह इसका आंसर होगा 6.53 लीटर। नेक्स्ट है बी, 8925 लीटर इंटू किलो लीटर। 8525 लीटर को किलो लीटर में चेंज करना है। तो 1, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। तो 8925 लीटर को ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8925/1000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये 30 नीचे है, तो 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1, 2, 3, यही ऊपर वाला नंबर हम सेम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 3 नंबर के बाद हम 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 के बाद यहाँ पॉइंट लग गया है, तो आंसर आ गया है 8.925 किलोलीटर। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे